नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम स्लीप का डिज़ाइन बनाना। इसे बनाएंगे हम फुल स्लीप में और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लीप को चेक कर लेते हैं। 18.5 इंची मैंने यहाँ पर स्लीप की लेंथ ले रखी है और आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे स्क्वायर पीस, जो कि मैंने ले लिए हैं 2x2 के। 2 इंची चौड़ाई है और 2 इंची इसकी लंबाई है। मैंने यहाँ पर ये कंट्रास्ट में लिए हैं, आप अपनी पसंद से इसके स्क्वायर पीस ले सकते हैं। अभी इसको बनाना किस तरह से है, किस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार होगी, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं। मोरी वाली साइड से 1 इंची का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और इसके बाद में जो निशान लगेंगे वो हमारे 1.5 इंची पर लगेंगे। तो पूरी स्लीप की जितनी भी लेंथ होगी उस पर हमें इसी तरह से मार्किंग करनी है। पहला निशान हमारा 1 इंची का होगा, बाकी जो निशान होंगे हमारे 1.5 इंची के होंगे। स्लीप की लेंथ मैंने यहाँ पर फुल ली है, आप अपने हिसाब से इसको हाफ स्लीप में या 3/4 में भी बना सकते हैं। बनने के बाद डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। निशान देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बीच से हमारे ये कट है तो दूसरे वाले पीस पे भी हमें इसी तरह से मार्किंग को कर लेना है। और अब देखिए इसका सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ है, लेकिन इसको रखते हैं हम एक साइड और जो हमने स्क्वायर पीस लिए हैं इसके हमें बनाने हैं ट्राइंगल। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे एक कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए, और एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल बन जाता है। तो सारे ही पीस को हमें इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ट्रायंगल को बना के तैयार कर ले रही हूँ। आपको भी सारे पीसेस इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। ट्रायंगल के जो पीस हैं उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप 2 इंच से कम मत लीजिएगा क्योंकि फिर इसका डिज़ाइन जो है वो इतना प्यारा नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 पीसेस यहाँ पर तैयार किए हैं और आपको भी इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। बाकी पीसेस मैंने पहले से ही तैयार कर लिए हैं। ये देखिए सारे पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी इसका डिज़ाइन को हमें किस तरह से बनाना है, लेते हैं हम अपनी स्लीव। तो ये देखिए स्लीव हमने ले ली है और इसका सीधा साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। एक पीस हम अलग रख देते हैं हटा के, और पहला निशाना जो हमने लगाया था 1 इंची का, उसके ऊपर इस तरह से ट्रायंगल को हमें एक बार और फोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो एक बार हमने और फोल्ड किया है तो इसका एक हिस्सा हमारा सीधा हो जाएगा और एक हिस्सा हमारा थोड़ा सा तिरछा आएगा। जो फोल्डिंग वाला सीधा वाला हिस्सा होगा वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, और जो हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा होगा, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ, जो कॉर्नर वाला हिस्सा होगा वो हमारा मोहरी की तरफ होगा। तो आपको ट्रायंगल को रखते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है ये देखिए, और यहाँ पर हमें रख लेना है। अभी जो हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंची का मार्क लगाया था ना, वहाँ पर हमें हल्का सा गैप छोड़ना है, यानी 1.5 इंची के बीच के गैप में हमें ये ट्रायंगल को सेट करना है। तो मैंने 1.5 इंची का मार्क इस तरह से लगाया है कि हमें इस ट्रायंगल को उसके बीच में रखना है। अगर आप इसके गैप को कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा पास पास भी रख सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को कुर्ती के गले पे भी बना सकते हैं, स्लीप पे तो मैं आपको बता ही रही हूँ, आप ट्राउज़र में भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पर पूरे ट्रायंगल इसमें लग चुके हैं। अभी ट्रायंगल लगाने के बाद में देखिए अभी हमें ले लेना है दूसरा पीस, जो हमने अभी एक साइड रखा था। तो इसकी सीधी साइड से सीधी साइड मिला के इस तरह से सेट कर लेना है और आप इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए जो हमारी सिलाई अभी लगाई थी हमने, इसी के ऊपर से एक सिलाई हमें और लगा लेनी है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अभी सिलाई लगने के बाद में इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जो हमारे धागे वगैरह हैं उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए ट्रायंगल बनने के बाद में कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। अभी हमें आगे की तरफ इसमें पट्टी लगानी है। तो देखिए मैंने इसी तरह से कंट्रास्ट पे पट्टी ले ली है और इसकी लंबाई यहाँ पर देखिए मोहरी की लंबाई के बराबर है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंची ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अभी डबल में फोल्ड इस तरह से करेंगे इसको और सीधी साइड से ऊपर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और 1/2 इंची के मार्जिन से इस पर पूरी पट्टी पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मोहरी पे भी हमारी इस तरह से कंट्रास्ट में पट्टी इस तरह से लग जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी के यहाँ से हम कटिंग कर देंगे
और इसका जो सिलाई का मार्जिन है वो हमें ऊपर की साइड में कर लेना है। इसके ऊपर से हमें एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ में। तो देख सकते हैं आप हमारा डिज़ाइन बनने के बाद में कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी डिज़ाइन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगी हमें इसमें लगाने के लिए मोती। तो मोती लगाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती लिए हैं और थोड़े से बड़े साइज के लिए हैं। तो देखिए कुछ इस साइज के मैंने यहाँ पर मोती लिए हैं, आप अपने हिसाब से मोती का साइज जो है कम या छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सुई और धागा। अभी इसका सुई धागे को हमें मोती किस तरह से अटैच करना है, देखिए जो पत्तियाँ हमने लगाई हैं ट्रायंगल की वो पत्तियाँ हमें इस तरह से ओपन कर लेनी है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और सुई को हमें नीचे की तरफ से निकालना है ऊपर को, ये देखिए पत्ती की हमारी जो हमने ट्रायंगल लगाया है इसकी कॉर्नर आ रहा है, तो पत्ती को हमें यहाँ पर लॉक कर लेना है। सुई को आपको नीचे से पत्ती के कोने पे निकालते हुए नीचे से ऊपर 2 से 3 टाके लगा लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। और सुई को हमें फ्लावर के बीच से निकालना है, मोती हमें यहीं पे लगाना है। ये देखिए हमने सुई को निकाल लिया है बीच से और एक मोती हम ले लेंगे इसमें से, सुई के बीच से डालते हुए मोती को हमें बीच में सेट कर लेना है। सुई को नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से मोती हमारा लग गया है। यहाँ पर हम धागे को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर आप धागे को पक्के से लॉक कीजिएगा क्योंकि हमारा मोती यहाँ पर नहीं निकलना चाहिए, हमारा धागा टूटेगा तो फिर हमारा मोती भी यहाँ से निकल जाएगा। सेम इसी तरह से आगे की जो पत्ती है इस पर भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और इसी तरह से हमें सारे ही मोती इस तरह से लगा लेने हैं और पत्तियों के सारे कॉर्नर को हमें इस तरह से लॉक कर देना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। सुई को हम नीचे से निकालेंगे पत्ती को लॉक करते हुए, हल्का सा हमें टाका लगाना है यहाँ पर, और ये बीच से इस तरह से निकालेंगे सुई को और यहाँ पर मोती को डाल देंगे सुई में और फिर सुई को हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे मोती को लगा लेना है और हमारी डिज़ाइन यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगी इसी के साथ में। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करना बताया है। सिंपल से स्लीप को भी आप सिर्फ ट्रायंगल से और मल्टी कलर आप कंट्रास्ट में लेके इसको बना सकते हैं। तो देखिए सारे ही ट्रायंगल को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, मोती लगाएंगे, टाका लगाएंगे और स्लीप को हम तैयार कर लेंगे। वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसको मोती को लगा के कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए सारे ही मोती हमने इस तरह से लगा दिए हैं इसमें और हमारा स्लीव का डिज़ाइन यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।